हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तफीका का उसको उसकी पार्टी ने फारिग किया, लेकिन यहाँ क्या हुआ है? पहले इन्होंने इदारे तबाह किए, ना नैब, नैब के अंदर इन्होंने अपना आदमी ले आए जो इनको बचाने के लिए आ गया, बजाय कौम के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का इनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने शुरू कर दिए। FBR के अंदर आप देख लें, इनके कोई टैक्स के इतने इनके केसेस हैं, वो बल्कि इनकी मदद करते हैं इनका टैक्स चोरी करने के लिए। फाइनेंस मिनिस्टर अपना मनी लॉन्डरर समधी को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, वो मदद कर रहा था पैसे बाहर भिजवाने के लिए। पार्लियामेंट के अंदर आप देख लें, जो इनकी नून लीग की पार्टी है वो बजाय जवाब तलब करे नवाज शरीफ से कि आपने ये किधर से ये 300 अरब रुपये आपका बाहर गया है, हमें जवाब दें। वो पार्टी प्राइम मिनिस्टर की चोरी छुपा रही है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने ज्यादातर उनको भी खिलाया हुआ है, उनके भी वजीर एक ख्वाजा आसिफ बैठे बैठे पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, अब सोचे 16 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है दुबई की कंपनी से। कोई देता है 16 लाख रुपया महीना किसी को जो कोई काम ही ना करे? तो ये इससे बड़ा फ्रॉड कौन है? तो वो मदद करेगा इसकी, क्योंकि उसने अपनी बीवी के नाम करोड़ों रुपया भिजवा रहा है दुबई से, जाता है न्यूयॉर्क उसकी बीवी के अकाउंट्स में। वो फॉरेन मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर का आपको बता दिया, उसका भी हटा नहीं रहे, जो अदालतों से भागा हुआ है। यहाँ प्राइम मिनिस्टर और मुल्क का प्राइम मिनिस्टर उसको भगाता है इस मुल्क से बाहर, फिर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर LNG के अंदर फंसा हुआ है, और LNG के कॉन्ट्रैक्ट जब सामने आएगा तो पता चलेगा कि ये पाकिस्तान के ऊपर कितना बड़ा बोझ LNG का आया है। तो वो प्राइम मिनिस्टर बचा रहा है नवाज शरीफ को। तो इन्होंने जब इनका नाम माफिया रखा गया था, और ये नून लीग के लोग जब कहते हैं जी देखे बड़ा जुल्म किया अदालत ने, ये माफिया है, ऊपर सरदार बैठा हुआ है माफिया का, गॉडफादर, नीचे लोग बैठे हुए हैं जो जिनका इंटरेस्ट है कि नवाज शरीफ पकड़ा ना जाए, क्योंकि उनकी भी वो भी बड़ी बड़ी करप्शन में मुलव्वस हैं। अब ना इदारे काम करें, इदारे आप ख़त्म कर दें, नैब ख़त्म कर दें, FBR ख़त्म कर दें, SECP ख़त्म कर दें, FIA आपके ऊपर कुछ ना करे, पुलिस ना कुछ करे, पार्लियामेंट के अंदर पार्टी आपकी प्रोटेक्शन करे करप्शन की, पार्लियामेंटकारी आपके सामने, टोनी ब्लेयर को और मार्गरेट थैचर को उनकी पार्टियों ने फारग करवाया था, किसी उनको सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए ज़रूरत पड़ी थी, अपनी पार्टीज ने फैसला किया था कि आप जाएं। तो जब सारे इदारे भी आप मफलूज कर दें, रह जाए उस वक्त मुल्क का सुप्रीम कोर्ट, और आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले इसलिए करें कि आपकी वो करप्शन के ऊपर वो उन्होंने आपसे जवाब तलब कर रहे हैं और आप जवाब नहीं दे सकते, और आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले कर दें सिर्फ अपनी चोरी बचाने के लिए। लेकिन जब आसिफ जरदारी, उसके 6 अरब रुपए स्विट्जरलैंड में पड़े थे, और जब सुप्रीम कोर्ट आसिफ जरदारी से पूछ रहा था, यूसुफ रजा को कह रहा था कि खत लिखें स्विट्जरलैंड में 6 अरब का, तो तब नवाज शरीफ को जुडिशरी पसंद थी, उसकी हमायत कर रहे थे। जब इनसे पूछ रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि जनाब ये इंटरनेशनल साजिश हो गई। लिहाजा ये जो आप मूव कर रहे हैं, और ये मूव कर रहे हैं नैब के फैसलों से पहले और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले, ये जो आ रहा है 203 के ऊपर, इनका सारी कोशिश ये है कि अपने आप को इन फैसलों से बचाएं, और बचता है सिर्फ इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करें, उसको डिस्क्रेडिट करें। अब अगर ये कामयाब हो जाते हैं जो इनकी कोशिश है, अब ये दिखाएं जलसे करें और कहें जी पब्लिक हमारे साथ है, और देखें जी पब्लिक अवाम की अदालत, इससे बड़ा कौन अपने लोगों को धोखा दे सकता है कि जनाब अवाम की अदालत बचा रही है मुझे, मेरे साथ है। क्या आप, अगर मैं इमरान खान का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है और इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन के सारे इदारों की तरह मफलूज कर लेता है, सारे इदारों के ऊपर अपने लोग बिठा देता है, मैं मुल्क को लूटना शुरू कर देता हूँ। मुझे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जनाब इमरान या जवाब दे, आपने पैसा लूट रहे हैं, तो मैं जो अवाम मेरा एहतसाब करेगी। ये कोई इस तरह कोई ऐसी किसी दुनिया की जमहूरियत में ये सुना है? आप ये देखें कि जो
हमारे इस्लाम की जो ट्रेडिशन शुरू हुई थी हजरत उमर रजीउल्लाह ताला को मस्जिद में एक आम आदमी पूछता है कि बताओ उमर आपने ये कपड़े किधर से लिए, और हजरत उमर ने ये नहीं कहा कि मैं जनाब अमीरुल मोमिनून हूं मुझे तुम पूछ नहीं सकते, उन्होंने जवाब दिया क्योंकि इस्लाम में हुक्मरान जवाब दे है। मगरब के अंदर ये सारी जमहूरियत की मूवमेंट किधर से शुरू हुई, मैग्ना काटा से। मैग्ना काटा क्या था, एक डॉक्यूमेंट था कि बादशाह को कानून के नीचे लाना 800 साल पहले, उधर से बादशाह को कानून के नीचे लाने के लिए डेमोक्रेसी की मूवमेंट शुरू हुई। और यहां बादशाह सलामत कहते हैं जी मुझे तो आवाम फैसला करेगी, उन्होंने मुझे वोट दिया, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं जितनी मर्जी चोरी करूं, अदारे वैसे ही कुछ नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट की जरूरत है मुझे कुछ कहने की। हमने आज अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से हमने कहा कि पार्लियामेंट अंदर हम भरपूर तरीके से इसको अब हम अपोज करेंगे। मैंने आज से पार्टी को अपने वर्कर्स को पैगाम पहुंचा रहा हूं, हम मेंबरशिप कैंपेन कर ही रहे हैं। मेंबरशिप कैंपेन में मैं आप सारे दौरे करूंगा पाकिस्तान के, मैं लोगों को तैयार करूंगा। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल, हमारी जमहूरियत, हमारे आइन के ऊपर ये जो हमले कर रहे हैं आप, और ये थोड़े से लोग दिखा के कह रहे हैं कि जी अवाम हमारे साथ है, मैं इंशाल्लाह डेट दूंगा, मैं यहाँ लोग इकट्ठे करूंगा इस्लामाबाद में, इनके जितने भी जलसे हुए हैं उनसे ज़्यादा लोग एक ही दिन मैं इस्लामाबाद में इंशाल्लाह इकट्ठे करके आपको दिखाऊंगा। ये बताने के लिए कौम पाकिस्तान की अदलिया के साथ खड़ी है, ये मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा, आप अपनी आंखों से देखेंगे जब पब्लिक निकलेगी। अब तक तो हम बैठे हुए हैं, हम सोच रहे हैं कि जनाब ये अदालतों के फैसले मान लेंगे, लेकिन अब हमें ये नज़र आ रहा है कि पूरे टकराव की तरफ जा रहे हैं। तो अगर इन्होंने ये टकराव की तरफ जाना है और ये दिखाने के कि अवाम इनके साथ है, हम अब दिखाएंगे कि अवाम पाकिस्तान की अदलिया के साथ है, इंसाफ के साथ है, इन चोरों के खिलाफ है, पाकिस्तान के आइन के साथ है। और इंशाल्लाह ये मैं अभी दौरे शुरू कर रहा हूँ, मैं आपको डेट दूंगा, मैं अपने सारे कारकुनों से खुद मिलूंगा और डेट दूंगा, तैयारी करूंगा, और फिर इंशाल्लाह यहाँ इस्लामाबाद में एक तारीखी शो करूंगा इनको बताने के लिए कि नवाज शरीफ को क्यों निकाला। जी 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 एक 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 देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बड़ी कौम हुई जिधर ताकतवर के लिए एक कानून और एक कमज़ोर के लिए दूसरा, ये हमारी तबाही का बायस है। आज अगर एक अल्लाह ने उस कौम को इतने वसाइल दिए हों और वो उसका ये हाल हो कि वो कर्ज़ों में डूबती जा रही हो, उसकी वजह ये है कि ताकतवर के लिए एक एक रूल्स हैं और कमज़ोर जो भरे हुए जेलों के अंदर वो बेचारे छोटी छोटी चोरियों में, उनके पता नहीं हालात घर में क्या होंगे, वो जेलों में भरे हुए हैं, और जो अरबों की चोरी कर रहा है वो उसके लिए 40 गाड़ियों का प्रोटोकॉल जाता है, वो जाके बुरा भला कहता है, कोई और अदलिया को इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करे आज कंटेंप्ट में वो जेल में हो, इसके लिए इसको कोई पूछता नहीं है, क्योंकि ये कोई या तो पैगाम ये दिया जा रहा है कि अगर आपने इस मुल्क में चोरी करनी है तो बड़ा डाका मारना, छोटी चोरी ना करना, आप जेल में चले जाएंगे, बड़ा डाका मारना तो प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे तक सारे आपको प्रोटोकॉल देंगे। जी 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 पहली चीज़ तो एक पॉलिटिशियन है, पाबंदी लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, अल्ताफ हुसैन के ऊपर अगर पाबंदी लगा दी है तो ये तो अब अल्ताफ हुसैन के करीब करीब पहुंच रहा है ना, पाकिस्तान के खिलाफ ये जो हरकतें कर रहे हैं ये तो एक माशरे को अंडरमाइन करना है। अगर खुद ही साबका प्राइम मिनिस्टर और करंट प्राइम मिनिस्टर अपनी अदलिया को अंडरमाइन कर रहे हैं तो जेलों में जो लोग घुसे हुए हैं ये क्यों माने जेलों की किसी अदालत की जजमेंट, इनका क्या कसूर है?
तो अगर ये जो कर रहे हैं ये हमारी सोसाइटी को अंडरमाइन कर रहे हैं, असूलन तो कंटेम्प्ट इनके ऊपर बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मेरे तरह का चीफ जस्टिस होता तो पहले दिन ही वो क्यों निकाला, टूर से जाने से पहले ही अभी ये जेल में होते अडियाला में। लेकिन 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 सुन लें, लेकिन मेरे ख्याल में हम अब इंतज़ार कर लें क्योंकि ये अगले 3 हफ्ते में तो फैसला वैसे ही आने लगा है, तो मेरे ख्याल में इनको जो कोशिश कर रहे हैं मजलूम बनने की और शहीद होने की, और ये भी पहला शहीद होगा जो मुल्क में इतना बड़ा डाका मार के कहे मैं शहीद हूँ, तो मेरे ख्याल में इनको टाइम दे देना चाहिए। अब तक दे दिया तो आगे भी दे देना चाहिए। अब एक मिनट मैं ज़रा दहशतगर्दी की बात कर दूँ। देखें ये पाकिस्तान को जो इन्होंने डाला है ये टेरर फाइनेंसिंग वॉच लिस्ट के ऊपर, मैं समझता हूँ कि ये एक हमारा बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर हुआ है। यानी कि डालने की कोशिश 3 महीने की फिर उन्होंने जो दे दिया आगे, यानी तलवार तो लटका दी है ना कि 3 महीने के बाद डाल सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा फेलियर है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का। ये हमें ये इस गवर्नमेंट के फेलियर में जाता है कि क्योंकि 3 साल से अपने आप को बचाने की कोशिश थी, फॉरेन मिनिस्टर था कोई नहीं, और ये बाय डिफॉल्ट जो नरेंद्र मोदी का नैरेटिव था पाकिस्तान को आइसोलेट करने में वो कामयाब हो गया, और वो नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान वो मुल्क जिसने सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी में मार खाई, कुर्बानियाँ दी, अमरीका की जंग लड़ी, आज वो इस सिचुएशन पे है। ये टोटल फेलियर हमारी डिप्लोमेसी का। देखिए मैं इसका तो जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि शहबाज शरीफ जो हैं इनके लिए ये बड़ा इनको फिक्र करनी चाहिए, लम्हा फिक्र है कि आबिद बॉक्सर जो वापस पहुँच गए हैं, और आबिद बॉक्सर ने ख़ुद कहा है कि मैं इनके कहने के ऊपर लोगों को कत्ल करता था, और ये BBC की रिपोर्ट है 1997-98 में कि 870 लोगों को पुलिस के ज़रिए कत्ल करवाया गया, और आबिद बॉक्सर कहता था कोई भी इनकाउंटर नहीं होता था जब तक चीफ मिनिस्टर की इजाज़त नहीं होती थी। उनको एक ये फिक्र करनी चाहिए, और बल्कि हमें आबिद बॉक्सर की जान की फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि जो पुलिस से ये काम पहले करवा सकते हैं अब भी करवा सकते हैं। जो शहबाज शरीफ को दूसरी फिक्र करनी चाहिए कि ये हुदैबा के अंदर ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस है, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें टेक्निकल रीजन वजह से रिलीफ तो दी है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने फैसला किया हम इनको अदालत में लेके जाएंगे। जो नई एविडेंस मिली है इसमें से 125 अरब रुपया मुल्क का 20 साल पहले मनी लॉन्ड्रिंग हुआ था, और शहबाज शरीफ का नाम है उसमें। इसहाक डार ने जो स्टेटमेंट दी थी, कन्फेशनल स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट के सामने, उसमें उन्हें वाजे तौर पर बैंक अकाउंट्स दिए हुए हैं। तो जब भी ये सुनी जाएगी अदालत के अंदर, शहबाज शरीफ का भी वही हाल होगा क्यों निकाला जो नवाज शरीफ का था। आपका क्या फैसला होगा, क्या नाम होगा, क्या अपोजिशन लीडर शाह महमूद कुरैशी को एतमाद में ले रहे हैं इस हवाले से, क्योंकि 3 नाम दे रहे हैं 3 दिनों में? देखिए ये बड़ा सीरियस है, क्योंकि जो 2013 का इलेक्शन था वो 22 पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा था कि धांधली हुई, जो जीते थे जो हारे थे सब ने कहा धांधली हुई। इसमें कौन मुलव्वस था, जिनको शक थे लोगों के, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन दोनों पार्टीज ने मिलकर अपॉइंट की थी, दूसरा केयरटेकर गवर्नमेंट दोनों पार्टीज ने मिलकर अपॉइंट की थी, और नैब का तो हम जानते हैं कितना कॉन्ट्रोवर्शियल है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने नैब के मुतालिक कमेंट्स दिए हैं। अब इलेक्शन कमीशन तो बना दिए इन्होंने, लेकिन जो ये अब केयरटेकर बनने जा रही है, इस पर पहले तो 2 हुकूमतों में पख्तूनख्वा में और पंजाब में तो हमारा हाथ होगा, एक में हम अपोजिशन में, एक में गवर्नमेंट में है, लेकिन जो सेंट्रल केयरटेकर है ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपने साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाने हैं तो केयरटेकर गवर्नमेंट आती साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए, तो ये ना हो कि वो अब आएँ और वो पेंचर लगा दें जिस तरह पहले लगे थे। इसलिए हम चाहेंगे कि कंसल्टेशन हो, और शाह महमूद से हम आज डिस्कस कर चुके हैं, हम इंशाल्लाह बैठेंगे, अपने नाम तजवीज़ करेंगे और पब्लिक को देंगे कि वो नाम
क्या पब्लिक समझती है गैर जानबदार या नहीं, तो इस तरह के नाम देंगे ताकि, और हम चाहेंगे कि हमें कंसल्टेशन में शामिल किया जाए। जी आबेद जी, बारी आबेद देखिए, मैं कौमी असेंबली में भी जा सकता हूँ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने कहा ना कि जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का पैनामा पे, देखें मेरे ख्याल में इनको नवाज शरीफ को झूठ के ऊपर जेल में डालना चाहिए था, जो जो कतरी खाता है। मैं जब मेरा केस हुआ, और वो बहुत बड़ा केस था मेरा और इयान बोथम का बरतानिया के अंदर, मुझे ये पता है कि मेरे वकील ने मुझे वाज़े तौर पे, मेरा टॉप वकील था, उसका भी टॉप वकील था, उसने मुझे कहा कि अगर आपका एक झूठ पकड़ा गया अदालत में, आपको 3 साल की जेल है, केस वहां रुक जाना था, आप जेल में। इसका झूठ, सबसे पहले तो कतरी खत पकड़ा गया, मेरे ख्याल में इसको जेल में जाना चाहिए था, केस उसी दिन खत्म हो गया था। दूसरा, ये मेरी राय है, दूसरा जब कलेबरी फॉन्ट पकड़ी गई, जो मरियम नवाज और हुसैन शरीफ का जो ट्रस्ट डीड थी, उसमें जब पता चला वो फ्रॉड थी,